I will read from the NASB. It says like this, verse 12. Then he said to me, Son of man, do you see what the elders of the house of Israel are committing in the dark, each man in the room of his carved images? Let me tell you that none of us are exempted from this. और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम में से कोई भी इससे छूटा नहीं. Lord began to show with the elders first. और परमेश्वर ने बुजुर्गों से पहले शुरुआत की. And the Lord said, Ezekiel, see these elders, what is happening in their lives. और परमेश्वर ने Ezekiel को कहा कि देख इन बुजुर्गों को कि इनके जीवनों में क्या हो रहा है. I told you it's not an easy message. और मैंने कहा कि ये एक आसान संदेश नहीं. It's a hard word. और एक कठोर शब्द है. But the Lord said there is no other way. परंतु परमेश्वर ने कहा कि कोई दूसरा मार्ग नहीं. There is no other way. कोई दूसरा मार्ग नहीं. If you and I would not see our own lives by the eye of the Holy Spirit and show no pity to ourselves today, there is no hope for us. और यदि मैं और आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा की आंख से नहीं देखेंगे और अपने ऊपर तरस नहीं खाएंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं. इंक्लूडिंग द एल्डर्स और यहां तक के द लीडर्स एंड मेन और जो अगुवाई. व्हेन वी लुक एट द पीपल ऑफ गॉड टुडे और जब परमेश्वर के लोगों को हम आज व्हाट एबोमिनेशन और क्या घृणात्मक चीज में है. एंड व्हाट एबोमिनेशन इन द हिडन एरियाज ऑफ देयर लाइफ और छिपी हुई चीज जगहों में गुप्त स्थानों में किस प्रकार से वो घृणात्मक चीजें हैं. यू नो आई एम फियरफुल टू शेयर दिस मैसेज और मैं इस संदेश को बांटने में डरता हूँ. आई वॉज वीपिंग बिफोर गॉड व्हेन गॉड मिनिस्टर दिस टू और जब परमेश्वर ने यह संदेश मुझे दिया तो मैं परमेश्वर के और इट इज नॉट एन ईजी मैसेज टू स्पीक और ये बोलने के लिए आसान नहीं. फॉर इट इज अ हार्ड वर्ड और क्योंकि ये कठोर शब्द है. बट गॉड हैज गॉट नो अदर वे बट टू बिगिन विद द लीडर्स इन द हाउस ऑफ गॉड और क्योंकि परमेश्वर के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं परंतु वो अगुवाओं से परमेश्वर के घर में जो है. एंड वी हैव टू सी बाय द आई ऑफ द होली स्पिरिट व्हाट इज रिटन एट द फाउंडेशंस ऑफ आवर लाइव्स क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की आंख से देखना है कि हमारे जीवन की बुनियाद में क्या कुछ लिखा है. Beloved people of God, और प्रिय परमेश्वर के may we see what is written underneath the root at the basement of your spiritual life. और हम देखें कि हमारी आत्मा के उस बुनियाद में उस जड़ में उस बेसमेंट में क्या कुछ है. It was all carved with images. और वहां पर हर जगह मूर्तियां. It was all with the mark of the beast all over. और हर जगह उस पशु के चिन्ह उसकी छाप लगी. It was with all the technology of man. और हर जगह मनुष्य की तकनीक थी. It was all filled with the devices of man. और सब जगह मनुष्य की कार्रवाइयां थी. Have you been horrified when you have seen your own life? और क्या आपने जब अपने जीवन को जांचा है तो आप डरे. It is going to be a horrifying scene. और उसको देखना एक बहुत ही. If you really allow the fire of the Holy Spirit to begin to search out in your life, you will see those things. और यदि आप उस पवित्र आत्मा की आग का प्रयोग करेंगे ताकि उन चीजों को जो आपकी गहराई में है उन्हें खोज लें. And he took him further. और उसने उसको आगे लिया. He took him further. आगे बढ़ाया. And began to show what was happening. और वहां पर दिखाया कि क्या many abominable things were happening. और बहुत सी घृणात्मक. Let me ask you one thing, beloved. और एक चीज मैं. Have you cried in the presence of God? और क्या परमेश्वर की उपस्थिति. Have you lamented in the presence of God? और परमेश्वर की उपस्थिति. And said, Lord, I see there is subtle lying in my tongue. और प्रभु मैं देखता हूं कि मेरे अंदर. Have you wept and cried and said to the Lord, Lord, I see abominable, filled with thoughts are filling my mind. Have you wept before God? और क्या परमेश्वर के सम्मुख जाकर आप रोए हैं कि पिता परमेश्वर मेरे विचार गंदे हो रहे हैं मेरी जुबान में झूठ है. Or have you past feelings? और या कि उन एहसासों को आप भूल चुके हैं. This was happening in the house of God. और ये परमेश्वर के घर में हो रहा है. And beloved, today God wants you and I to be ones who will be broken before the power of His word and will turn to Him as the word has come to us this morning. और परमेश्वर चाहता है मैं और आप उसकी ओर मुड़े जैसे कि उसकी शक्ति और सामर्थ्य हमारी ओर आती है पवित्र आत्मा की. Is there a crying in your heart? और क्या आपके हृदय के अंदर एक पुकार या I love verse chapter 9 and verse 1. I have seen these verses as never before in my life.
I have read this verse, I have referred these chapters many times before, but my eyes have been opened in a new way to see these verses. Chapter 9 and verse 1. Then he cried out in my hearing, praise God. And I thank my God, there is a God who is crying in my ears in these days. There is a God who is crying out in my ears in these days. You know what he's crying? He's crying, come out of her, my people. He's crying in our ears, telling, look at what is written in your foundations. He's crying in my ears. Yes, I know that there is a God who is crying in this hour. And if only those who can really listen to the voice of the Spirit, they would know the crying and the lamenting of the heart of God. और यदि वो जो कि पवित्र आत्मा की आवाज को इस समय सुन रहे हैं वो परमेश्वर की पुकार और उसके हृदय के दुख को समझ सकते हैं And he cried out in my ears. और वो मेरे कानों में पुकार कर कहता With a loud voice he began to cry. और उसी आवाज में वो पुकार कर कहता है Draw near all executors of the city each with his destroying weapon in his hand Somebody please read King James He cried also in my ears. Let not the voice of God, the cry of God this morning fall on deaf ears. और इस समय परमेश्वर की पुकार जो है वो बहरे कानों पर ना पड़े. But on listening ears. परंतु उस सुनने वाले कानों पर. Read further, brother. All then that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon. Praise God. The voice of the Lord said, go to the city, to the church, and get those leaders with their destroying weapon. और प्रभु ने परमेश्वर ने वहां पर कहा कि उस कलीसिया में जा और उनके अगुवाओं को बुला ला और उनके हाथों में मौलिक हथियार हों. Go into the church, the city, and get those leaders together. और उस कलीसिया में उस नगर में जा और उनके अगुवाओं को तू बुला ला. Get those brothers who are apostles and prophets and teachers and pastors and get them together and let them come along with their destroying weapon. और उन सब भाइयों को जो के प्रेरित हैं, जो के पास्टर्स हैं और अगवा हैं, उन और प्रचारक हैं और शिक्षक हैं, उनको बुलाकर इधर ला. You know the Lord has got a destroying weapon. और परमेश्वर के पास एक विनाशी हथियार है. And you know what is that destroying weapon? और वो विनाश करने वाला हथियार क्या है? The word of God. परमेश्वर का वचन. That is his destroying weapon. और वो ही उसका विनाश करने वाला and है. And he called them together. और उसको उनको. Verse 2. And behold, six men came from the direction of the upper gate, which faces the north. Praise God. Somebody read in King James. Verse 2. And behold, six men came from the way of the higher gate. Oh, they came from the way of the higher gate. Now, where these people live? They are living in a higher realm. और ये लोग कहां पर रहते हैं वो एक ऊंचे स्तर में रहते हैं और उस ऊंचे दरवाजे से भीतर आए They are living in a higher realm from a higher gate. और वो एक ऊंचे स्तर में रहते हैं और ऊंचे द्वार से अंदर And north in the Bible always talks about judgment. और उत्तर जो है हमेशा परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है Right, and they came from the north with a destroying weapon in their hands. Yes, shattering weapon in his hand. And read further, brother. And one man among them was yes. clothed with linen. Praise God. With a righteous ink on by his side. Yes. And he went in and stood beside the place of the altar. Praise God. Now here we see that six men came, isn't it? और यहां पर हम देखते हैं कि छह व्यक्ति आए नंबर सिक्स इज द नंबर ऑफ मैन और छह जो है वो मनुष्य का नंबर है In other words, it says that God is going to use men to do this work of marking. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के द्वारा इस छाप का काम कराए He will also use this man with a destroying weapon to work for him. और वो इस मनुष्य का प्रयोग करेगा एक विनाशी हथियार के रूप में भी But there was yet another man or a certain man here with linen robe.
परंतु यहां पर एक और व्यक्ति था जो के सूती वस्त्र पहने with a writing case in his loins और जिसके हाथों में एक लिखने वाली praise God and there is one in the midst of them with fine linen which talks about the Lord Jesus Christ himself और यहां पर एक और व्यक्ति का वर्णन है जो के सूती और सफेद कपड़े पहने हैं और जो के प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है he is the head of the church he is the head of this company of people और वो उस कलीसिया का सिर है और उन लोगों के झुंड का सिर है He got a writing pen in his hand. और उसके हाथ में लिखने का कलम है And we see that they went forward. And it says, and they went in and stood beside the bronze or brazen altar. और यहां पर हम देखते हैं कि वो आगे बढ़े और उस पीतल की वेदी के सामने खड़े हो गए Praise God, before they began to do anything, they stood by the cross of Calvary. और परमेश्वर की स्तुति है इससे पहले कि वो कोई कार्य करते वो उस कैलवरी के क्रूस के सामने आए Brazen altar in the Bible always pictures the Calvary's cross. और वो पीतल की वेदी जो है हमेशा उस कैलवरी के क्रूस को दर्शाती है They went and stood there, remembering that the unrepenting nature of the people upon whom they are going to bring this destroying weapon. और वो वहां पर खड़े हुए इस चीज को याद करते हुए कि वो मन ना फिराने वाले और उनके काम जो थे जिनके ऊपर ये न्याय वो लाने वाले Calvary is a picture of forgiveness and also a place of judgment for sin. और Calvary जो है वो माफी को भी दर्शाती है और उस पाप के न्याय को भी एंड देन व्हाट हैपेंड और फिर क्या हुआ वर्स 3 एंड 4 समबडी प्लीज रीड लाउड देयर यस प्रेज गॉड नाउ हियर वी सी दैट दे वर टोल्ड टू गो फोर्थ इनटू द सिटी द चर्च And begin to mark the people of God. और यहां पर हम देखते हैं कि उनसे कहा गया कि उस नगर के बीच में कलीसिया के बीच में जाओ और परमेश्वर के लोगों पर छाप लगाओ You know, but there are some people who say, brother, we don't see any abominations. और कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम कोई घृणात्मक चीजों को In chapter 9 and verse 4, you see that these people have been crying out unto God for all the abominations which they were seeing. और यहां पर नवे अध्याय के चौथे पद को हम देखते हैं कि ये लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे उन सब बातों को देखकर जो घृणात्मक बातें But there are so many people in the Christian world who say, brother, but we don't see any problems in the spiritual world. और लेकिन बहुत से मसीह वातावरण के अंदर लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई इस संसार में हम कोई समस्या नहीं देखते Everything is going on very well. और सब बातें ठीक ठीक हो रही हैं. People are getting saved and baptized and baptized in the Holy Spirit. Everywhere there's a big growth. और लोग जो हैं वो बचाए जा रहे हैं कोई पानी का बपतिस्मा लेते हैं और हर जगह बढ़ोतरी हो रही है बट वी सी हियर देयर वर सम पीपल हु आर एबल टू से बाय द होली स्पिरिट एज एसेकियल सो बाय द होली स्पिरिट अबॉमिनेबल थिंग्स दैट वर हैपनिंग और लेकिन यहां पर कुछ लोगों को हम देखते हैं जो कि पवित्र आत्मा की आंख से ये देखने की योग्य थे वो घृणात्मक चीजें जैसे कि हिजकियल ने भी देखी They were sighing and crying before God. और वो परमेश्वर के सम्मुख रोते और पुकारते Have you been sighing and crying before God in your life? और क्या आप अपने जीवन में कभी परमेश्वर के सम्मुख आकर रोए और पुकारे Not enough. और नहीं काफी There is going to be an inkhorn that is going to come upon you. Writer's pen. और एक लिखने वाले के कलम आपके जीवन के ऊपर आने वाले A destroying weapon is going to come upon you. और एक विनाशी हथियार आपके जीवन पर आने वाला है A sharp sword will come upon you. और एक तेज तलवार आपके ऊपर आने वाली है This is what we see here. और यही सब कुछ हम यहाँ देखते हैं Go and mark these people upon their foreheads. और जाकर इन लोगों के माथों पर निशान लगाओ And what do we see here? और फिर हम क्या देखते हैं Verse 5. पांचवां पद. Somebody please read. Was saying here, go through the city, the church, have no pity for anyone, not even for himself. Have no pity. और यहां पर परमेश्वर कहता है कि कलीसिया और चर्च में जाओ और किसी पर कोई तरस न खाओ. Spare not. और किसी को ना छोड़ो. Verse 6. छठा पद. Utterly slay old men and young men and maidens and little children and women. But do not touch any man on whom is the mark. और तुम सब बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और बच्चों और औरतों को बिल्कुल मार डालना
और किसी परंतु जिनके माथे पर चिन्ह है उसे ना छूना. Let me give you another nugget in this place. और एक और मैं आपको नुक्ता देता हूँ. When we look at the Lord Jesus Christ. और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं. Now here we can see that the man in the linen, he is the leading the team here. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो के सूती वस्त्र पहने हैं वो इस टीम के. He goes with the ink horn in his hand. और वो उस कलम को लेकर अपने हाथ में जाता है. And then there are six men following. और फिर छह व्यक्ति उसके पीछे हैं. We can see the Lord Jesus Christ cleansing the temple twice, isn't it? और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा मंदिर की शुद्धि कर रहा है. Two times. और दो बार. Once in the beginning of his ministry, one at the end of his ministry. और एक उसकी सेवकाई की शुरुआत में और. And I see by the Spirit of God there is a company of men who are following this Lord Jesus Christ to cleanse the house of God in these last days. और मैं परमेश्वर की आत्मा में इस चीज को महसूस करता हूँ कि एक लोगों का झुंड है जो कि परमेश्वर के घर को इस मेमने इस प्रभु के साथ में शुद्ध कर. And the word of the Lord to them is that spare not any man. और परमेश्वर का वचन उनके लिए ये है कि किसी व्यक्ति को ना छोड़ो. And they began to mark the people. और वो लोगों को चिन्ह लगाने लगे. Afterwards they began to slay the men and women and children and all of them. और उसके बाद वो सब स्त्री पुरुष और औरतों और बच्चों को सबको वो मारने लगे. What happened? और क्या हुआ? Verse 8. आठवां पद. Then it came about as they were striking, I alone was left. और ऐसा हुआ कि जब वो मार रहे थे तो मैं अकेला बाकी बचा. And that I fell on my face and cried out saying, Alas, Lord God, art thou destroying the whole remnant of Israel by pouring out thy wrath on Jerusalem? और तब मैं अपने मुंह के बल गिरकर और पकार कर परमेश्वर से कहने लगा कि ऐ परमेश्वर, क्या तू इस बचे हुए इसराइल को बिल्कुल इस धरती से मिटा डालेगा? He cried out. और वो पुकारा. And he said, I am left alone. और उसने कहा कि मैं अकेला बच गया. What a cry it was. और ये कैसी पुकार थी. In 1 Thessalonians chapter 4 it says, And those who are left and remain, they shall be caught up with him. और पहला थिस्सलुनियन उसके चौथे अध्याय में वो कहता है कि वो जो के बच जाएंगे वो ही. How many were left in the days of Ezekiel? और इज़ेकियल के दिनों में कितने बचे? There are many people who want to run away from this earth. और बहुत से लोग इस धरती से भाग जाना चाहते हैं. They do not know if they will be left to see that day. और वो नहीं जानते कि वो उस दिन को देखने के लिए बचेंगे भी. Ezekiel cried out and said, Lord, I am left alone. और इज़ेकियल पुकार कर कहने लगा, परमेश्वर, केवल मैं अकेला बचा हूँ. They began to move through the city. और वो नगर में से चलने लगे. Began to destroy. और विनाश करने लगे. They came to this old prophet. और वो इस भविष्यवक्ता के पास आए. And they saw the mark upon. They saw the burning marks on his forehead. और उन्होंने उसके माथे के ऊपर उस जले का निशान देखा. They saw the mark of the Lord upon him. और उसके ऊपर प्रभु का चिन्ह देखा. And he was left. और उसको छोड़ दिया गया. What a condition of the children of Israel. और इसराइल के वंश की क्या हालत है. Beloved, in these last days. और इन अंतिम दिनों में. There is a destroying weapon with which God is moving in this hour. और एक विनाशी हथियार है जिसके साथ परमेश्वर चल रहा है. And we have to be willing to allow the Lord to use this weapon to work upon us in this hour. और हमें इच्छुक होना है कि हम परमेश्वर को इस हथियार के प्रयोग को अपने जीवन में इस समय प्रयोग करने दें. We should allow that word of God to burn our thoughts and our actions. और हमें परमेश्वर के उस वचन को अपने विचार और हमारे कार्यों को जला देने के लिए कहें. You know, I do not know all the details. और मैं सारे विस्तार से बात. But I know this one thing, that God's weapon is coming upon some lives. परंतु मैं एक चीज को जानता हूँ कि परमेश्वर का ये हथियार कुछ जीवनों पर आ रहा है. I do not know everything. और सब बातों को नहीं जानता. But if I say that I know everything, then I am a fool. और यदि मैं कहूं कि सब बातें जानता हूं तो मैं मूर्ख हूं. But as much as I know as the Lord has given to me. परंतु जितना प्रभु ने दिया है उतना मैं जानता हूं. I know that he is bringing changes in my inward parts. और मैं जानता हूं कि वो मेरे भीतरी हिस्सों में परिवर्तन कर रहा है. I know that he is changing my life. और मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में परिवर्तन कर रहा है. I know he is changing my thoughts. और मैं जानता हूं कि मेरे विचारों को वो बदल रहा है. And I see and sense in my spirit and my inward parts there are changes even in the ministry coming. और मैं अपने भीतरी भागों में अपनी आत्मा में इस चीज को महसूस करता हूं कि मेरे जीवन के अंदर एक परिवर्तन है. This is one thing I know. और एक चीज मैं जानता हूं. And I know that in the coming days. और मैं ये भी जानता हूं कि आने वाले दिनों में. You and I who will move on in the ways of God, you are going to be a castaway. That much.
चलो और मैं और आप जो कि परमेश्वर की चाल के साथ चलेंगे हमें अलग निकाल दिया जाएगा. Some of us are going to be persecuted for the truth. और हम में से कुछ को सत्यता के लिए सताया जाएगा. You have to stand a great pressure in the coming days. और आने वाले दिनों में एक बड़े दबाव को आपने बर्दाश्त करना है. God has been ministering this to me. और परमेश्वर ने ये बात मुझसे करी है. Many a time it's so hard. और बहुत सी बार ये बहुत कठिन है. I see that sometimes that we are like the fish out of water. और कई बार ऐसा महसूस होता है कि ऐसी मछली की तरह है जो पानी से बाहर. We find it very hard. और बहुत कठिन महसूस होता है. Very hard. बहुत मुश्किल. But that was also the life of His people of God. और परंतु वो भी परमेश्वर के लोगों का जीवन. Have you seen there are times that I begin to wonder the way that people treat you? और बहुत सी बार जब मैं देखता हूँ कि और बहुत ही अचंभा मेरे को होता है कि किस प्रकार Be encouraged, beloved people of God. आप उत्साहित हो. That is the way of God for you. क्योंकि परमेश्वर का मार्ग आपके लिए. For you are not many but few. क्योंकि आप बहुत नहीं परंतु. That is why God has chosen His people. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को To reveal His glory.